बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आई टी फॉर सोल्यूशंस। वेब डिज़ाइनिंग कोर्स में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। ये हमारा लैब 9 चल रहा है और पिछले दो लैब से हम लोग लिंक्स के बारे में बात कर रहे हैं। लैब 8 में हम लोगों ने एब्सोल्यूट लिंक्स को पढ़ा था, लैब 9 में हमने रिलेटिव लिंक्स को पढ़ा था, और आज का हमारा ये लिंक्स का फाइनल टॉपिक है जिसमें हम पढ़ेंगे लिंक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ दी सेम वेब पेज। एक वेब पेज है और आप उसमें लिंक्स को कैसे क्रिएट करते हैं कि आप टॉप से बॉटम में चले जाएं, बॉटम से मिड पे चले जाएं, किसी भी स्पेसिफिक पार्ट पे आप डायरेक्टली कैसे लिंक कर सकते हैं और हम लोग इसे क्यों यूज़ करते हैं इसके बारे में सीखेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा फोल्डर है तो मैं यहाँ पर एक नई फाइल बनाता हूँ, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, और इसको बाई डिफ़ॉल्ट मैं एडिट करता हूँ नोट पैड के साथ, और यहाँ पे लिखेंगे HTML। HTML को क्लोज कर देंगे। सिंपल जो सिंटैक्स हम लोग पिछले काफ़ी सारे वीडियोज़ में पढ़ रहे हैं, हेड टैग, देन हम लोग इसको देंगे टाइटल, और हमारा टाइटल क्या होगा, HTML पेज नेविगेशन, और उसके बाद हम लोग इसको हेड टैग से बाहर निकलेंगे, और इस टाइम हम लोग इसको डिफाइन करेंगे बॉडी टैग, बॉडी में मैं कुछ टैग्स को यूज़ करता हूँ ताकि आपको इसका डिफरेंस समझ लगे। पी टैग को यूज़ करता हूँ और पी टैग को करता हूँ क्लोज कर देता हूँ, और मैं इसको हेडिंग देता हूँ H1 के साथ इंट्रोडक्शन, H1 को क्लोज करता हूँ, और इसको मैं यहाँ पे कोई डिस्क्रिप्शन उठाता हूँ जो इस कोड के लिए मैं यूज़ करता हूँ ताकि मेरा पेज थोड़ा सा बड़ा हो और इस वीडियो का पर्पज़ आपको समझ आ सके। मैं यहाँ से इस चैनल से डिस्क्रिप्शन उठाता हूँ, बोर्ड पे चलते हैं और इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, इसको पी टैग में मैंने इसको पेस्ट किया, और इसको सेव करता हूँ सेव एज लिंक डॉट HTML के नाम से, और यहाँ से ऑल टाइप सेलेक्ट करूँगा, सेव कर दें, और इसको स्टेज पे ओपन करें ज़रा। तो आप देख रहे हैं ये आपको कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ इस तरह की हेडिंग्स मेरे वेब पेज पे हों और जिनके नीचे ये कुछ डिटेल्स लिखी हूँ और फिर मैं आपको ये समझा सकूँ। तो मैं इसको एडिट करता हूँ, मैं एक और नया H1 H2 यूज़ करता हूँ टैग, उसे मैं कहता हूँ प्रोग्रामिंग, H2 क्लोज, और देन मैं एक और H3 को यूज़ करता हूँ, बल्कि H2 को यूज़ करता हूँ, और इसे मैं कहता हूँ वेब डिज़ाइनिंग, और फिर मैं क्या करता हूँ फाइनली फुटर एक यूज़ करता हूँ पी टैग के साथ, ऑल राइट्स रिजर्व्ड, पी टैग को क्लोज कर देता हूँ। अब मैं ये जो पी टैग यूज़ किया हुआ है इसको सब मैं डाल देता हूँ। सपोज़ ये प्रोग्रामिंग की डिस्क्रिप्शन है और ये मेरा वेब डिज़ाइन है, इधर मैं भी पेस्ट कर देता हूँ, ये वेब डिज़ाइन की डिस्क्रिप्शन है, और इसको अब मैं सेव करता हूँ और रन करता हूँ। अभी भी ये नहीं इतना, तो इस टेक्स्ट को थोड़ा सा और पेस्ट करते हैं, ये टेक्स्ट यहाँ से कॉपी करके दोबारा इसमें पेस्ट करता हूँ, स्पेसिस तो अलाउ नहीं है तो स्पेसिस की क्या ज़रूरत है, चलें इधर पेस्ट करते हैं, तीन बार इसको पेस्ट करता हूँ, और दोबारा मेरा प्रोग्रामिंग का ये H2 है इसमें भी मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, और तीसरा मेरा पेज कौन सा है, लिंक हेडिंग कौन सी है वेब डिज़ाइन की, इस पे मैं इस टेक्स्ट को पेस्ट कर देता हूँ। अब सेव करें ज़रा और इसको ट्राई करते हैं हम लोग यहाँ पे जाके
तो अब देख रहे हैं, ये इंट्रोडक्शन है, फिर प्रोग्रामिंग है, फिर वेब डिज़ाइन है, और नीचे ये फुटर है हमारा ऑल लेट्स रिजर्व। अब मेरा पेज इस पर आ गया है नेविगेशन वाला। तो अब मैं चाहता हूँ इधर लिंक दूँ इंट्रोडक्शन प्रोग्रामिंग और वेब डिज़ाइन का, कि डायरेक्टली मैं नेविगेट करूँ प्रोग्रामिंग पे, फिर डायरेक्टली नेविगेट करूँ वेब डिज़ाइन पे। तो सबसे पहले मैंने टॉप पे लिंक देने, तो लिंक मैं देता हूँ, लिंक देने से पहले मैं इनको डिफ़ाइन कर देता हूँ नीचे ताकि समझ आ सके। और मैं नीचे दूंगा लिंक फुटर पे, जो ये ऑल राइट्स रिजर्व्ड है, इसके ऊपर लिंक दूंगा इंट्रोडक्शन का, ताकि मेरा कर्सर फोकस इधर आ जाए। तो H1 को मैं, लिंक्स कैसे क्रिएट करते हैं, जो भी आपका टैग है उसके आगे आप लिखते हैं ID इक्वल्स और फिर उसका नाम देते हैं। मैं इसको देता हूँ हेडर, ये मेरी ID होगी हेडर की, और दूसरा मेरा टैग कौन सा है, ये इंट्रोडक्शन का है, दूसरा ये प्रोग्रामिंग का, तो मैं इसको दूंगा H2 ID, और जो भी नाम देना चाहूँ मैं इसको देता हूँ प्रो का नाम। तीसरा मेरा वेब है, तो मैं इसमें नेविगेट करना चाहता हूँ, तो इसको लिखूँगा ID और फिर वेब, ये तीन हो गए। और फाइनली एक फुटर का देते हैं, PID इज इक्वल टू फुटर, ये तीन हमने देखें क्या किया है। H1 में ID दी है, क्यों ID दी है, ताकि इसको लिंक करें, किस तरह लिंक करेंगे चलते हैं देखते हैं। अब मैं चाहता हूँ मुझे ऊपर यहाँ पे लिंक नज़र आने चाहिए, H1 की तो ज़रूरत नहीं चूँकि ये तो टॉप पे नज़र आ रहा है ना, मैं इसको दूसरे लिंक देता हूँ तीन। तो क्या करेंगे, H reference, अब जो ID हमने उधर लिखी थी उसको इधर यूज़ करेंगे, सिर्फ उसके स्टार्ट पे हम लोगों ने क्या लिखना है, हैश। तो प्रो की ID थी, क्लोज करते हैं इसको, और मैं इसको भी क्लोज कर देता हूँ, और इधर मैं इस क्या देखता हूँ प्रोग्रामिंग, और ये टैग को करता हूँ क्लोज कर देता हूँ। अब दूसरा लिंक मैं देता हूँ H reference, वो था मेरे पास #web, हैश मैंने ID के साथ डिफाइन नहीं किया, आप यहाँ पे देख सकते हैं सिंपल ID इक्वल टू प्रो लिखा, लेकिन जब मैंने इसको लिंक करना है तो फिर मुझे इसके साथ हैश लिखना पड़ेगा। इसे मैं कहता हूँ वेब डिज़ाइनिंग, और इस ए टैग को भी क्लोज कर देता हूँ। और फाइनली जो मैं नीचे फुटर के लिए मैंने यूज़ किया था, ये H reference हैश फुटर, ये क्लोज हुआ, और इसमें मैं कहता हूँ बॉटम ऑफ द पेज, इसके ऊपर मैं एक P टैग यूज़ करता हूँ, इसे मैं लिखता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, ये इस कोड का एग्ज़ाम्पल का ऐसा नहीं, मैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए नेविगेशन लिंक्स, P टैग को भी क्लोज कर देते हैं। तो इसको सेव करें और पेज को रिफ्रेश करें, तो अब देख रहे हैं नेविगेशन लिंक्स, जो सिंपल P टैग लिखा था, और नीचे तीन लिंक नज़र आ रहे हैं, प्रोग्रामिंग, वेब डिज़ाइन, बॉटम ऑफ द पेज। मैं प्रोग्रामिंग पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरा कर्सर किधर चला जाता है, प्रोग्रामिंग पे आ जाता है। दोबारा ऊपर जाते हैं और वेब डिज़ाइन पे क्लिक करते हैं, तो देख रहे हैं ये मेरा कर्सर अब किधर आ गया, वेब डिज़ाइन पे आ गया। इसी तरह जब मैं इस बॉटम ऑफ द पेज पे क्लिक करता हूँ तो ये चला जाता है नीचे ऑल राइट्स रिजर्व्ड पे। अब मैं चाहता हूँ एक लिंक किधर दूँ, टॉप के लिए, कि इसको दोबारा वापस इस टॉप पे ले आए। तो H1 था, उसके लिए मैंने ये ID डिफाइन की हुई थी यहाँ पे, थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं, ये H1 के लिए मैंने ID हेडर डिफाइन की थी। और लिंक में क्या चाहता हूँ कि इस फुटर के ऊपर मुझे नज़र आए, तो मैं इधर लिखूँगा H reference इक्वल्स हैश, और मेरी ID का क्या नाम है, हेडर क्लोज टॉप ऑफ द पेज, ए को करूँगा क्लोज कर दूँगा, सिंपल लिंक का टैग है, सिर्फ हमने जो ID ऊपर डिफाइन की हुई है आप देख सकते हैं, हमने H1 के साथ ये ID डिफाइन की हुई है। जब मैं उधर क्लिक करूँगा तो मेरा कर्सर इधर फोकस आ जाएगा मेरे ब्राउज़र का। तो मैंने क्या कोड लिखा है, H reference हैश हेडर, और इधर टेक्स्ट जो डिस्प्ले होगा टॉप ऑफ द पेज लिखा होगा, और फिर ए को क्लोज कर दिया। तो आइए ट्राई करते हैं, करंटली आप देखते हैं नहीं है, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, और आप देख रहे हैं ये टॉप ऑफ द पेज का लिंक नज़र आ रहा है। अब मैं यहाँ से बॉटम पे नेविगेट करता हूँ, ये बॉटम पे आ गया, बॉटम से टॉप पे जाता हूँ तो ये मेरा टॉप पे आ गया, हेडर 1 पे दिया था मैंने तो हेडर पे आ गया। यहाँ से वेब डिज़ाइन पे जा सकता हूँ, और प्रोग्रामिंग पे जा सकता हूँ, और देन फाइनली बॉटम पे जा सकता हूँ। तो इस तरह हम लोग पेज नेविगेशन करते हैं, बड़े पेजेस में कुछ लिंक्स दे देते हैं ताकि यूज़र को या व्यूअर को आसानी हो आपकी वेबसाइट में नेविगेट करने के लिए।
तो उम्मीद है आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।